ये काम करवाता है, मुर्दा आदमी मैं खुद देखा इसे, जानता हूँ। बात इसमें मुझे खराब लगता है कि हमारे हमारे रामपुर की इस धरती महान है, इस रामपुर की धरती महान होते हुए इस रामपुर के जनता इतने अच्छे हैं, इतने सच्चे हैं, इतने मतलब यहाँ के जो जो संस्कार और यहाँ का प्रेम को ये गलत आईना दिखा रहे दुनिया को, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। बात जयप्रदा की नहीं है, बात रामपुर के सारे महिलाओं की, इस देश के महिलाओं के, इस उत्तर प्रदेश के महिलाओं के मैं सम्मान दिला के ही रखूंगी। मैं आज चुप रहने वाली जयप्रदा नहीं हूं। आपके हमले से, आपके गाली से मैं रामपुर छोड़ दूंगी, यही तुम और एसटी हसन और आपके दूसरे जितने जो समाजवादी पार्टी है उनके नेता लोग चुप रहेंगे तो हम डर जाएंगे क्या? उन सबके ऊपर मैं एक्शन लेना चाहती हूं और मैं शिकायत करूंगी, चाहे कुछ भी हो, मैं इनके आपके ऊपर और एस टी हसन के ऊपर शिकायत करूंगी और न्याय मांगने के लिए गुहार लगाऊंगी। सांसद के रूप में बड़े बड़े बातें कर रहे हो क्या? रामपुर के इसको बनाने के लिए ठेका लिया क्या? एक औरत होके ये बात नहीं कहना चाहती थी, लेकिन मुझे मजबूर होके कहना पड़ रहा है। मैं अपील करती हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, मैं अपील करती हूं इस देश के प्रधानमंत्री योगी मोदी जी को, इस बात पर वो गौर करे। अगर ये संसद पे इस तरह के आदमी लोगों को रहना है या नहीं रहना है, अगर रहना है तो इन लोगों को सिखाना पड़ेगा किस तरह एक महिला के संस्कार को, एक महिला को सम्मान देना। एक कानून लाना चाहिए और ये कानून लाकर इन लोगों को बर्खास्त करना चाहिए। एसटी हसन के ऊपर मैं एफआईआर करूंगी। बार बार आपके ऊपर टिप्पणी करी जा रही समाजवादी के कारण, उसके बावजूद आपके साथ बीजेपी की पार्टी आपके साथ नहीं दिख रही है, क्या वजह है? ऐसा कुछ नहीं है, देखिए ये पार्टी का मामला तो है ही नहीं। आजम ये पर्सनल टिप्पणी करता है, बहुत नेक के साथ, बहुत ही मतलब टैक्टिस के साथ वो इस तरह का बयानबाजी करते हैं, नाम ना लेते हुए सब कुछ कहलाता है। हम पागल नहीं है, वो सत्ता के पीछे पागल है और जनता को ये दिखाना चाहता है कि मुफ्त में पढ़ाई कर रहा है, कब्जा करके सारे जो जमीन वक्फ बोर्ड की जमीन और सारे जो जितने किसानों के, गरीब से गरीब किसानों के कब्जा करके वो एक सत्ता का मजा ले रहा है। क्योंकि रामपुर में आऊंगी तो इनके जो नाटक चल रहा है वो आगे नहीं चल सकता है, इसलिए मैं चाहती हूं कि मैं एक महिला के नाते जयप्रदा ना सही, मतलब मैं मुंबई में, मैं ये कला के कला देवी हमारा वरदान है, उसको आप कहते हो, उसको आपने मतलब तवायफ कहते हो, किसको कह रहे हो तवायफ? तुम्हारे घर में भी माँ बेटी बहन बहू सब कुछ है क्या? एस टी हसन साहब तुम एक पलट के आपके परिवार को देखो, किसको बोल रहे हो? मैं इन लोगों के ऊपर पूरा एक्शन लेने वाली हूं, मैं इन दोनों को छोड़ूंगी नहीं, चाहे मेरे मेरे जान जाए, मैं रामपुर की धरती छोड़कर नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी और इनको सबक सिखाऊंगी। ये दुर्भाग्य की बात है कि मैं हमेशा जब भी रामपुर आती हूँ तो कुछ न कुछ हमारे ऊपर हमला होता है या कुछ ऐसे अभद्र टिप्पणी होता है। इसी सिलसिले में आपको एक विषय पर मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि अभी अभी चुनाव खत्म हुआ और मैंने सोचा था कि रामपुर के इस सरजमीन को मैं सलाम करते हुए
हम सब मिलकर रामपुर को आगे विकास के रूप में आगे बढ़ाने का पूरी प्रयास करने के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ। देखिए, यही इसी धरती से मुझे दो बार मुझे सांसद बना के लोकतंत्र के मंदिर में पार्लियामेंट में मुझे भेजा गया। अब अभी 2019 में जो चुनाव हुआ है उसमें समीकरण के वजह से हो या कोई भी वजह हो, इस बार रामपुर की जनता ने आजम खान को सांसद बनाकर लोकतंत्र के मंदिर में पार्लियामेंट में उनको भेजा गया। अभी अभी मैं उनके जो भाषण भी सुन रही थी वो खुद वायरल किया कि वो शिक्षा के रूप में वो बहुत अनुदान कर रहे हैं, शिक्षा के रूप में बहुत कुछ इस रामपुर के लिए वो करने का उनका जो प्रणाली का बता रहे थे, यूनिवर्सिटी के बारे में जिक्र कर रहे थे, बच्चों के पढ़ाई के लिए जिक्र कर रहे थे और बच्चों के स्कूल के बारे में भी उन्होंने ऐसे जिक्र करके झूठ बोला है कि प्रशासन छोटे छोटे बच्चों के कान पकड़कर उठा के उनको उठा के फेंक दिया बाहर, इस तरह का जो झूठे जो बयान दे रहे थे और उसको खुद वायरल कर रहा था कि ये भाषण जो है सारे जनता सुने और इस बात पर वो यकीन करें। आजम साहब, आप जो जो झूठ बोल रहे हैं इसमें आप ये बताइए कि बच्चों को आप मुफ्त में पढ़ाई करा रहे हैं, पैसा नहीं ले रहे हैं बच्चों से? एक एक बच्चे से आप 800 रुपए ले रहे हो और आप कहते हो कि 20 रुपए में पढ़ाई करा रहे हो। आप ये भी बता रहे हो कि बच्चों को हम, जो बच्चा एक ही पेरेंट हो तो उनके लिए भी आप निशुल्क में पढ़ाई करा रहे हो 10 रुपए में। इतना झूठ, और वो भी पार्लियामेंट में। आप पार्लियामेंट में जाने से पहले आपने वोट लिया कि हम झूठ नहीं बोलेंगे और जो भी हमारे सामने डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी ऐसे गलत काम मेरे नजर में आता है तो उसको हम एंटरटेन नहीं करेंगे, हम उसको जवाब देंगे। लेकिन आज मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि आप चुनाव खत्म होने के बाद भी आप महिलाओं के बारे में इस तरह की टिप्पणी करते हो। बात जयप्रदा की नहीं है, बात सारे देश की है, देश की महिलाओं की है, उनके उनके आस्था के ऊपर, उनके अस्मिता के ऊपर।